बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। द स्मार्ट स्कूल क्लास वन स्मार्ट मैथमेटिक्स यूनिट सिक्स फ्रैक्शंस पेज 82। वी कैन डिवाइड अ स्क्वायर इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये एक स्क्वायर है और हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ द स्क्वायर। अब हर पार्ट स्क्वायर का 10वां हिस्सा है क्योंकि स्क्वायर 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सो एक हिस्सा इस सारे स्क्वायर का 10वां हिस्सा है या 1/10। 1/10 किसे कहते हैं? 10वें हिस्से को। 1/10 इज 1 part आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स। 1/10 जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स का एक हिस्सा है या एक पार्ट है। वी राइट इट एज 1/10। हम इसको 1/10 लिखते हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 10। और कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1। सो 1/10 टोटल पार्ट्स इज डिनोमिनेटर जो हम नीचे लिखते हैं और कलर्ड पार्ट इज न्यूमरेटर जो हम ऊपर लिखते हैं। 10/10 आर इक्वल टू 1 whole। और अब इन 10 हिस्सों को अगर हम जमा करें तो इससे 1 whole square बन जाएगा। क्वेश्चन 3E, कलर 1/10 ऑफ ईच पिक्चर। अब इस पिक्चर में आपने 1/10 पार्ट या 1/10 पार्ट को कलर करना है। सो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10। और कलर कितने पार्ट करने हैं? 1। सो 1 part को आप कलर करें। सो 1/10 ऑफ द पिक्चर इज कलर्ड। अब इस पिक्चर में टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10। और कलर्ड कितने पार्ट्स करने हैं? 1। सो 1 part को आपने कलर करना है। पेज 83, क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द करेक्ट आंसर। पार्ट ए, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3। और कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1। सो 1/3 ऑफ द पिक्चर इज कलर्ड। सो 1/2, 1/2 मीन्स हाफ ऑफ द पिक्चर इज कलर्ड। सो दिस इज नॉट आवर आंसर। 1/3 या 1/3, यानी कि 3 हिस्सों में एक हिस्सा कलर्ड है और यहाँ भी 3 parts में 1 part कलर्ड है। सो सर्कल 1/3, दैट्स आवर आंसर। बी, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और कलर्ड कितने हैं? 1। सो 1/5 या 1/5 ऑफ द पिक्चर इज कलर्ड। सो 1/5। सी, टोटल पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और कलर्ड कितने हैं? 1। सो 1/6 ऑफ द पिक्चर इज कलर्ड। सो सर्कल 1/6। डी, टोटल पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 4। और कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1। सो 1/4 या 1/4 को हम क्या कहते हैं? 1/4। सो 1/4। सो 1/4 को सर्कल करें। क्वेश्चन नंबर 5A, कलर 1/3 ऑफ ईच शेप। इस शेप में कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3। और कलर कितने करने हैं? 1/3, यानी कि टोटल पार्ट्स 3 हैं और 1 को कलर्ड करना है। सो 1 part को कलर करें। इस शेप में भी टोटल पार्ट्स 1, 2, 3 हैं और आपने 1 part को कलर करना है। इस शेप में भी टोटल पार्ट्स
वन टू थ्री हैं और आपने वन पार्ट को कलर करना है. सो वन थर्ड ऑफ द शेप इज कलर्ड. पेज 84, पार्ट बी, कलर वन फोर्थ ऑफ ईच शेप. वन फोर्थ का क्या मतलब है? वन बाय फोर या फोर पार्ट में से एक पार्ट को आपने कलर करना है. सो इस शेप में टोटल पार्ट्स कितने हैं? वन टू थ्री फोर, और आपने एक पार्ट को कलर करना है. सो वन फोर्थ ऑफ द शेप इज कलर्ड. इस शेप में भी टोटल पार्ट्स वन टू थ्री फोर हैं और हमने एक पार्ट को कलर्ड कर दिया है. सो वन फोर्थ ऑफ द शेप इज कलर्ड. इस शेप में भी टोटल पार्ट्स वन टू थ्री फोर हैं और हमने एक पार्ट को कलर्ड कर दिया है. सो वन फोर्थ ऑफ द शेप इज कलर्ड. पार्ट सी, कलर वन फिफ्थ ऑफ ईच शेप. वन फिफ्थ यानी फाइव पार्ट्स में से एक पार्ट आपने कलर करना है. सो टोटल पार्ट्स वन टू थ्री फोर फाइव, और एक पार्ट को आपने कलर करना है. टोटल पार्ट्स वन टू थ्री फोर फाइव, और एक पार्ट को आपने कलर करना है. टोटल पार्ट्स वन टू थ्री फोर फाइव, और एक पार्ट को आपने कलर करना है. क्वेश्चन नंबर सिक्स, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ये सर्कल दिया गया है जिसमें एक पार्ट कलर्ड है. ईच पार्ट इज कॉल्ड. अब हर पार्ट ऑफ अ सर्कल को हम क्या कहते हैं? वन फोर्थ. ये भी वन फोर्थ है ऑफ अ सर्कल, ये भी वन फोर्थ है ऑफ अ सर्कल, ये भी वन फोर्थ है, और ये भी वन फोर्थ है. डैश इक्वल पार्ट्स मेक अप वन होल. अब कितने पार्ट्स वन होल बनाते हैं? टोटल पार्ट्स कितने हैं? वन टू थ्री फोर. सो फोर पार्ट्स मेक वन होल. इन चार पार्ट्स से मिलकर ये होल सर्कल बना है. सो फोर, फोर इक्वल पार्ट्स मेक अप वन होल. बी, वन टू थ्री फोर फाइव. इस स्क्वायर को टोटल फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एक पार्ट को कलर्ड किया गया है. ईच पार्ट इज कॉल्ड वन. अब ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं? वन फिफ्थ, क्योंकि टोटल पार्ट्स फाइव हैं और वन पार्ट कलर्ड किया गया है. सो ईच पार्ट इज कॉल्ड वन फिफ्थ. सो दिस इज वन फोर्थ और दिस इज वन फिफ्थ. डैश इक्वल पार्ट्स मेक अप वन होल. वन टू थ्री फोर फाइव. इन फाइव इक्वल पार्ट्स को जब हम ऐड करें तो इससे ये होल पिक्चर या स्क्वायर बन जाएगा. सो फाइव इक्वल पार्ट्स मेक अप वन होल. पार्ट सी, ईच पार्ट इज कॉल्ड वन. अब ईच पार्ट इज कॉल्ड, ये कितने पार्ट्स हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. सो ईच पार्ट को हम वन टेंथ कहेंगे. सो ईच पार्ट इज कॉल्ड वन टेंथ. डैश इक्वल पार्ट्स मेक अप वन होल. इन टेन इक्वल पार्ट्स को जब हम ऐड करेंगे तो इससे ये वन होल बनेगा. सो टेन इक्वल पार्ट्स मेक अप वन होल. थैंक यू किड्स फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन सून विद अनदर वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.